श्री राम और गिलहरी का प्रसंग। जब राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था तब सभी वानरों को पत्थर ले जाते देख एक गिलहरी भी इस कार्य को करने की इच्छा जताती है। गिलहरी भी भगवान श्री राम की सेवा करना चाहती थी। गिलहरी अपने उठाने योग्य छोटे छोटे कणों को ले जाकर पत्थरों से बने दराजों के बीच में डालने लगती है, लेकिन यह कार्य करते समय वह वानर सेना के पैरों के बीच में आने लगती है, जिससे एक वानर उस गिलहरी को उठाकर दूर फेंक देता है। गिलहरी प्रभु श्री राम के चरणों के पास जाकर गिरती है। श्री राम यह सब दूर से बैठे देख रहे थे। भगवान श्री राम गिलहरी के इस कार्य भाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। भगवान श्री राम उस गिलहरी की पीठ पर अपनी तीन उंगलियां फेरते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरियों के ऊपर तभी से ये निशान श्री राम के आशीर्वाद के रूप में आज भी दिखाई देते हैं। इस लीला से भगवान श्री राम ने वानरों को यह समझाया कि कोई भी काम महत्वहीन नहीं होता, फिर वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मायने करने वाले का भाव रखता है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।